कर रहे हैं शैतान। सर रुकिए, अब उससे मांग लेना, बहुत टाइम ले लिया, प्रखर से मांग लेना। अच्छा ठीक है, नीचे वाला नहीं रच कर। नेक्स्ट बाबू, सेकंड बाबू क्या, नेक्स्ट क्या बाबू, टॉपिक क्या, अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट बाबू क्या, अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, इसको डिफाइन कर देते बाबू, इसको डिफाइन कर देते, है ना, अनलाइक टर्म्स। ठीक है बाबू, अनलाइक टर्म इसको कैसे डिफाइन करो बाबू, कैसे डिफाइन करो बाबू, लिखिए बाबू, अनलाइक टर्म्स। सर, टर्म्स वेयर विच आर नॉट लाइक, ठीक है बाबू, अनलाइक टर्म्स आर नॉट लाइक, यस सर, अनलाइक टर्म्स आर द टर्म्स दैट हैव नॉट सेम वेरिएबल एंड पावर। हां बाबू, सर ऑपोजिट। ओके बाबू, अनलाइक टर्म्स बाबू आर बाबू टर्म्स बाबू दैट आर नॉट लाइक, डेट आर बाबू जो लाइक नहीं है बाबू, ठीक है ना बाबू, डेट आर बाबू नॉट लाइक, जो लाइक नहीं है सर, जो लाइक नहीं, दैट इज बाबू क्या, अनलाइक टर्म, है ना। फॉर एग्जांपल सर, जैसे एग्जांपल सर, जैसे सर एक्स हो गया सर, वाई हो गया सर, जेड हो गया, ये क्या दीजिए दे बाबू, अनलाइक टर्म्स, बिकॉज बाबू वेरिएबल सर बाबू डिफर, वेरिएबल से डिफर। सेकंड नंबर बाबू, 7x^5 बाबू, 8x^4 बाबू, और ये 4 बाबू x^3, दिस इज बाबू आल्सो अनलाइक टर्म्स। व्हाई बाबू, बिकॉज़ बाबू वेरिएबल्स आर सेम बट पावर इज बाबू डिफर, पावर इज डिफर। हियर बाबू x / z सर, ओनली x / बाबू ओनली x, दिस इज द बाबू आल्सो अनलाइक टर्म्स। राइट डाउन कीजिए बाबू, सर किया। ओके बाबू, बाबू हेडिंग है ना अनलाइक, अनलाइक में बाबू ये सारे एग्जांपल, ऑल अदर एग्जांपल्स बाबू अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स का एग्जांपल है। चलिए, टीना अग्रवाल नहीं आई, चली गई, ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हमको भी नहीं पता। नेक्स्ट बाबू कोफिशिएंट, नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट किसका पढ़ेंगे सर, कोफिशिएंट का पढ़ेंगे, कोफिशिएंट क्या होता है ये बाबू, क्या बेसिक कंसेप्ट है अलजेब्रा का बाबू, बेसिक कंसेप्ट है। जैसे बाबू आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो वहाँ बेसिक कंसेप्ट क्या होता है सर, एडिशन होता है। टर्म क्या क्या आएंगे, एडिशन आएंगे सर, एडिशन का टर्म आता है, सब्ट्रैक्शन का टर्म आता है ना बाबू, सब्ट्रैक्शन का टर्म आता है, मल्टीप्लिकेशन का टर्म आता है, यही आता ना, मल्टीप्लिकेशन यूज होता है, डिवीजन यूज होता है ना, ये सब यूज होता है। मैथ का क्या बाबू, ये मैथ का बेसिक चीज है, उसी तरह से अलजेब्रा का ये क्या बेसिक चीज है, लाइक टर्म क्या होंगे, अनलाइक टर्म क्या होंगे, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, बेसिक टर्म है, ये सब आएगा आपको तो आगे अलजेब्रा अच्छे से समझ में आएगा, है ना, अलजेब्रा में ये सब यूज होता है, ये सब टर्म यूज होते हैं। तो नेक्स्ट बाबू क्या, कोफिशिएंट, नेक्स्ट क्या बाबू, कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट, ठीक ठीक है सर। कोफिशिएंट क्या होता है बाबू, कोफिशिएंट क्या होता है बाबू, डिफाइन कर देते हैं, है ना, डिफाइन कर देते बाबू, उसके बाद समझा देते हैं। लिखिए बाबू, द न्यूमेरिकल बाबू, न्यूमेरिकल, द न्यूमेरिकल बाबू, द न्यूमेरिकल फैक्टर बाबू, सर आपका स्क्रीन ब्लॉक दिख रहा है सर, आप प्रखर 5G में बाबू, ठीक है सर, नहीं सर, द थॉट इज एकदम क्लियर है सर, सर सम टाइम्स ओनली, अच्छा सम टाइम्स ओनली, बाबू ब्रॉडबैंड बाबू ओनली दो ही कनेक्शन है, फिर भी आप लोग को कैसे दिक्कत होता। द न्यूमेरिकल फैक्टर बाबू ऑफ ए टर्म बाबू इज कॉल्ड बाबू, सर क्लियर दिख रहा है सर, इज कॉल्ड बाबू, इट्स बाबू न्यूमेरिकल, इट्स बाबू न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। या सिंपली बाबू इसको क्या कहेंगे, और सिंपली बाबू कोफिशिएंट, सिंपली कोफिशिएंट। लिखिए बाबू फिर समझाते हैं। अरे शैतान पॉज नहीं है, आपका जियो का प्रॉब्लम हो रहा है बाबू, मेरा पॉज नहीं है। नो सर, प्रखर से पूछिए, प्रखर से पूछिए, नहीं सर क्लियर है सर, हाँ बोलिए, जानिए
यार डन सर बता रहे हैं। अरे वो उसको या तो क्या कही कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहेंगे या सिंपली कोफिशिएंट कहेंगे ना। ज्योति नहीं आई सर, इसको लिख रहे हैं। हाँ बाबू कथा लिख लें। अदित्री नहीं आई, दो गो सानवी, तीन गो सत्यम, चार गो सर जानवी। नहीं बाबू आप हो ना बाबू, जो स्टूडेंट अब्सेंट है बाबू, अब्सेंट है उसके बारे में बोल रहे हैं। ओके सर। ओम शर्मा सर, ओम शर्मा इस बीच में आता है? हाँ सर आता है सर। यस सर, वीडियो ऑन सर। ओम कहीं भी और वेदांत भी सर। वेदांत को हाँ हॉस्टल जाना वो चलिए, वेदांत को हॉस्टल जाना सर। ओम शर्मा सर आता है सर। अच्छा ठीक है बाबू, चलिए राइट ऑन। देखिए बाबू अब आपको समझा रहे बाबू, हाँ ना, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। देखो बाबू सिंपली जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल सर कहीं भी बाबू कह रहे 7x लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे कहेगा बाबू कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट जैसे इसमें पूछेगा बाबू आपको लिखा हुआ रहेगा है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, क्या कहेगा बाबू कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ बाबू x, तो x के बगल में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है सर, 7 मल्टीप्लाई, तो x के बगल में जो रहे जिस वेरिएबल के बगल में जो रहेगा बाबू वही उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा, वही बाबू क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा सर, बगल में क्या है 7 है सर, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट बाबू, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बाबू लिख लीजिए बाबू, नेक्स्ट बाबू सेकंड नंबर जैसे क्या लिखा हुआ है सर, मान लें बाबू 100 है, एक्स रेज टू द पावर कितना है सर, 10 है, तब कोफिशिएंट कहेगा सर, कोफिशिएंट कहेगा एक्स रेज टू द पावर 10 का कोफिशिएंट क्या होगा, क्या कहेगा बाबू, कहेगा कोफिशिएंट ऑफ बाबू, कोफिशिएंट ऑफ बाबू, समझ में आता है ना प्रखर, 100 सर 100, तो ये सब समझ में आता है ना बाबू, यस सर 200, जानवी दास कैसे ब्लैक दिख रहा है बाबू, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे इससे प्रॉब्लम हो गया जानवी दास, डाटा खत्म हो गया होगा सर इसी चलते सारा, डाटा बच रहा है जानवी दास, ये सर बच रहा है अब, और अब फ्रीज हो गया सर, शैतान हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, मेरे को तो क्लियर दिख रहा है सर, क्लियर है सर सारा चीज, गर्मी सर आपको तो बहुत ज्यादा गर्मी हुआ है सर, गर्मी से क्या मतलब है, आप पढ़िए ना चुपचाप, कहीं भी बाबू 5x रेस टू द पावर बाबू, जैसे 5x माइनस 5x y है, तो इसमें अगर बाबू कहेगा देखो किसी भी भरे कहेगा कोफिशिएंट ऑफ y, बाई का कोफिशिएंट कहेगा, तो बाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ बाबू, कोफिशिएंट ऑफ बाबू कहेगा सर, कोफिशिएंट ऑफ बाई कहेगा, तो बाई का कोफिशिएंट हम लोग क्या लिखेंगे, बाई को छोड़कर जिसका कोफिशिएंट कहेगा बाबू उस टर्म को छोड़ देना, उस टर्म को लीव कर देना, तो बाई को छोड़ दो तो बचेगा क्या, माइनस 5x, तो ये माइनस 5x हो जाएगा। सहन बाबू आर यू गेटिंग माई पॉइंट बाबू और नॉट, सहन सेहान समझ में आता है बाबू, सेहान बाबू यस, ओके बाबू, कोफिशिएंट ऑफ कहेगा जेड रेज टू द पावर 10 का माइनस 100, अरे शैतान जेड के पावर 10 करे, तो इसको छोड़ के जो बचेगा तो क्या बचेगा सर, माइनस 100 बाबू, एक्स रेज टू द पावर 10 अब बाय रेज टू द पावर 10 बचेगा, अच्छा तो सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ जेड टू द पावर 10 रहेगा, तो
हाँ बाबू, जो टर्म को कहेगा उसका छोड़ देना, जो वेरिएबल का उसका छोड़ देना, उसको पकड़ लेना, बाकी को लिख देना, ठीक। इसी में बाबू कहेगा, यदि आपको कहेगा कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ बाबू बाय रेज़ टू द पावर 10 का कितना आसान में लिखते लिखते चले सर, -10 -100 x टू द पावर 10 z टू द पावर 10 कितना होगा सहान बाबू बताइए सहान। सर मैं बताई सही है सर, माइनस हंड। अरे इसको बताने दो ना शैतान पर, देखते हैं ना सैन बाबू। सर बाबू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ बाबू बाय रेज टू द पावर 10 माइनस 100 एक्स टू द पावर 10 इज द टू द पावर 10। वेरी गुड बाबू, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट ऑन, राइट राइट ऑन सैन। इसी में यदि कह दे बाबू कोफिशिएंट ऑफ का कैसा कह दे, जेड निकल गया बाई निकल गया, अगर कोफिशिएंट ऑफ बाबू, कोफिशिएंट ऑफ बाबू एक्स रेज़ टू द पावर 10 का कितना होगा सुनना, बताओ सुनना। हाँ जाओ ना, यही तो करोगे, इसको तो मॉल है तो ध्यान रहता है, खतरनाक स्टूडेंट। सर हम जो बोले सुनाई दे दिया क्या सर आपको? जानवी शर्मा खिड़की क्यों दिखा रहे बाबा, अपना शकल ना दिखाई, एकदम शैतान, मतलब ये सब हमेशा चापलूसी खोजता रहता है, कैसे करे कि सर हमारी तरह एकदम शकल दिखाना है सर। हाँ चलिए राइट डाउन कीजिए बाबू। नेक्स्ट बाबू एक टर्म पढ़ाना बाबू, कंसेप्ट ऑफ साइन, ठीक है, कितना टाइम बच रहा है, एक कंसेप्ट ऑफ साइन पढ़ाना बाबू, है ना, इसको अच्छे से समझना है सर। उसके बाद बता चुके हैं सर, हर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। अरे सैतान तो आपको ना बता चुके बाबू, जो नहीं कहा उसको थोड़ी बताए हैं, यस को थोड़ी बताए हैं, खाली आप ही ना पढ़े हो जानवी दास। 20 मिनट बच रहा, चलिए ठीक है। नेक्स्ट बाबू हेडिंग देंगे कंसेप्ट ऑफ साइन, है ना सर, 2-3 महीने पहले पढ़ाए थे क्या सर? हाँ बाबू ठीक है सर, सर हम लोग नहीं नहीं लिखेंगे सर, नहीं लिखे सर क्योंकि मेरा लिखा हुआ है सर, हम लोग लिखेंगे, लिखना है यस बाबू, आपको लिखना है शैतान, आपको लिखना है, वो ये जानवी सर पर बोल रहे हैं लिखेंगे सर। हाँ आपको सर, मैं भी लिख चुकी हूँ सर, मैं भी नहीं लिखूंगी ना सर, जो लिखा हुआ मत लिखिएगा बाकी, अरे जानवी शर्मा ये प्रखर को लिखा हुआ, किसी को नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू कंसेप्ट ऑफ साइन, सर ये शायद ना पढ़ाए थे ना सर, पढ़ाए तो फिर से पढ़ो, रिवाइज करो सर, हमको याद है सर क्योंकि मेरी कॉपी में है। अच्छा ठीक है तो अच्छी बात है, पढ़िए सहन बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, आता है तो अच्छी बात है, आता है तो आपका रिवाइज होगा, इफ नहीं आता तो सीखिए। कंसेप्ट ऑफ साइन बाबू हम लोग किसमें लेंगे सर, एडिशन में, इन बाबू एडिशन, ठीक है सर, और कहाँ यूज करेंगे बाबू, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं करते बाबू, सब्ट्रैक्शन में ऑलरेडी माइनस लेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो ही जाता है ना, इन बाबू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और बाबू कहाँ डिवीजन में, इन डिवीजन में, है ना डिवीजन में, ठीक है सर। देखो बाबू क्या होता है, पहला नंबर प्लस प्लस, कहीं बाबू प्लस रहेंगे और प्लस रहेंगे, ठीक है बाबू, क्या रहेंगे बाबू प्लस प्लस, दोनों दो पॉजिटिव साइन रहे, तो इसको क्या, इसका रिजल्ट एडिशन में क्या होगा, प्लस होगा, ठीक ठीक सर। सेकंड बाबू
अगर बाबू प्लस है और माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, सब्ट्रैक्ट कर देना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना, साइन क्या लेना बाबू, माइनस लेना, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, समझ में आ जाएगा, है ना, एग्जाम्पल लेंगे बाबू तो समझ में आ जाएगा। फिर बाबू माइनस है सर, और फिर बाबू क्या प्लस है, तो ये माइनस होगा। फोर्थ नंबर बाबू माइनस है सर, दिस इज द बोथ बोथ नंबर सर बाबू माइनस, देन बाबू यस सर आपने बढ़ा दिए हैं सर माइनस, ठीक। फॉर एग्जांपल सर अभी तो 20 दिन पहले पढ़ाए थे, ठीक है पढ़ाए बाबू तो अच्छी बात है, तो रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो 101 से हम एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए बाबू सर, लिखना जी, देखो समझो इसका एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं। हां बाबू बोलिए, आपने जो इन एडिशन में लिखा है प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ नंबर होगा ना, मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तब ना शैतान। सर आपने तो बताया था, ठीक है सर, ठीक है बाबू। बाबू प्लस प्लस माइनस रहेंगे बाबू, प्लस माइनस रहेंगे, ठीक है एडिशन में बाबू। ये क्या होगा बाबू, प्लस भी होगा सर और माइनस भी होगा, है ना बाबू। अगर बाबू एक पॉजिटिव रहेगा एक निगेटिव रहेगा, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव रहेगा, तो इसका क्या साइन आएगा, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है बाबू, है ना। तो कब क्या आएगा सर, प्लस कब आएगा सर और माइनस कब आएगा, तो बाबू अकॉर्डिंग टू बाबू वैल्यू ऑफ नंबर। देखो समझाते हैं सयान बाबू, समझिए समझाते हैं मतलब क्या सर। देखो बाबू अगर बाबू देखो क्या है सयान, समझिए बाबू, ठीक है ना। यस सर। हाँ देखो बाबू क्या है, अगर बोथ नंबर पॉजिटिव, ये क्या बाबू प्लस थ्री है और ये भी प्लस फाइव है, बोथ नंबर पॉजिटिव है, तो इसको क्या करना है एड कर देना, फाइव प्लस थ्री कितना हो गया सर, एड हो जाएंगे, ठीक। अब साइन क्या दोगे सर, तो ये प्लस प्लस का दिस इज द बाबू सिंबल है साइन है, तो अगर बोथ नंबर पॉजिटिव है बाबू तो साइन हम लोग क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे, साइन क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू सेकंड नंबर अगर बाबू यहाँ पे जैसे मान लो बाबू प्लस थ्री है और माइनस फाइव है, ठीक बाबू। तो अब शांति से सुनो, एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर निगेटिव है बाबू, तो इसको क्या करना है, अगर इफ वन नंबर पॉजिटिव बाबू वन नंबर निगेटिव माइनस टू से सबट्रैक्ट कर देना, तो फाइव में थ्री माइनस टू हाँ ठीक, ओके बाबू ठीक है, फाइव में थ्री सबट्रैक्ट कर देना, ठीक है सर। अब उसके बाद सर साइन प्लस होगा कि माइनस होगा हमको कैसे पता, माइनस अच्छा ठीक है बाबू, यहाँ देखो प्लस माइनस है माइनस प्लस है, तो बाबू जो बड़ा नंबर रहेगा उसका मैग्नीट्यूड देखना, वैल्यू देखना, तो थ्री फाइव में बड़ा नंबर कौन है सर, फाइव है, तो फाइव के आगे साइन क्या है बाबू, निगेटिव है, तो रिजल्ट क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे। जब भी बाबू एक पॉजिटिव नंबर है एक निगेटिव नंबर है तो उसको सबट्रैक्ट कर दो, अब साइन क्या आएगा सर, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो जो बड़ा नंबर रहेगा उसका साइन देखना, बड़े नंबर का साइन अगर निगेटिव हो तो निगेटिव आएगा, बड़े नंबर का साइन अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आएगा। थर्ड नंबर एग्जाम्पल सर, थर्ड नंबर जैसे बाबू क्या सर माइनस थ्री या प्लस फाइव है, तो एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर इसको क्या करो बाबू सबट्रैक्ट कर दो, तो फाइव में थ्री सबट्रैक्ट कर दो क्या होगा, टू होगा। अब साइन प्लस होगा, देखो माइनस प्लस है तो साइन प्लस होगा कि माइनस होगा हमें कैसे पता चलेगा सर, तो इसमें बड़का नंबर पकड़ो, ठीक है टेक द बाबू बिगर नंबर बिगेस्ट नंबर, फाइव इज द बाबू क्या बिगेस्ट नंबर, टेक ठीक है बाबू फाइव मेरा क्या बड़ा वाला नंबर है सर, है ना ठीक है। अब बड़े नंबर का आगे साइन कौन सा सर, पॉजिटिव है, बड़े नंबर का साइन आगे कौन सा सर, पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा ठीक। नेक्स्ट बाबू फोर्थ नंबर एग्जांपल, अगर बोथ नंबर निगेटिव रहा है, बोथ नंबर निगेटिव रहा है बाबू, तो जब दोनों नंबर निगेटिव रहते हैं इसको ऐड कर दो, इसको क्या कर दो ऐड कर दो, तो माइनस थ्री माइनस फाइव ऐड करोगे तो कितना, थ्री फाइव को पहले ऐड कर दो, तो फाइव थ्री ऐड करोगे कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, है ना ठीक है सर। अब साइन क्या होगा सर, तो देखो माइनस हाँ बाबू माइनस माइनस क्या साइन आएगा, वो माइनस आएंगे, तो यहाँ भी माइनस माइनस साइन क्या आएगा, माइनस आएंगे। राइट डाउन कीजिए बाबू, ऐसा ऐसा बाबू कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारे में चलेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू, कितना बजा, अभी तो टाइम है ना। हाँ सर मैं अपना इवनिंग पहले कर लेती हूँ आपका क्लास में। सर अभी ये लोग का 2 मिनट टाइम है बाबू, अभी 50 अभी 10 सर अभी ये लोग का 2 मिनट है, 10 मिनट है बाबू। लिख ले बाबू सेहान। यस सर। ओके बाबू, नेक्स्ट बाबू हम लोग फर्दर कंसेप्ट किसमें मूव करेंगे बाबू, मल्टीप्लिकेशन में ठीक है। तो देखो क्या रहेंगे माइनस क्या रहेंगे, प्लस है सर, मल्टीप्लाई है सर, प्लस है ठीक है, प्लस प्लस में पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई मेरा क्या होगा सर, प्लस होगा, रिजल्ट क्या आएंगे बाबू, प्लस आएंगे ठीक।
एक बाबू क्या प्लस को मल्टीप्लाई करवाओ माइनस के साथ, रिजल्ट क्या आएंगे सर माइनस आएंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है बाबू, बेसिक कंसेप्ट है ठीक है। नेक्स्ट बाबू, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे सर प्लस के साथ, रिजल्ट क्या आएंगे माइनस आएंगे ठीक। नेक्स्ट बाबू, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा सहान बताओ, प्लस प्लस हो जाएंगे ठीक, प्लस हो जाएंगे। जैसे क्या सर, इसी को लेते हैं बाबू, इसी को लेते हैं। जैसे क्या सर, थ्री प्लस थ्री बाबू मल्टीप्लाई बाबू प्लस फाइव, व्हाट वी गेट बाबू, है ना। तो सिंपली क्या करना, दो नंबर मल्टीप्लाई उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो थ्री फाइव कितना, व्हाट वी गेट बाबू 15। अब प्लस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, व्हाट वी गेट प्लस। हाँ बाबू, नेक्स्ट बाबू सेकंड नंबर, इसी में बाबू अगर क्या रहे सर, प्लस थ्री रहे सर मल्टीप्लाई बाबू माइनस फाइव रहे, तो हम लोग क्या करें बाबू, मल्टीप्लाई करो थ्री फाइव को सिंपली मल्टीप्लाई, फाइव इंटू थ्री कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट बाबू प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस प्लस मल्टीप्लाई माइनस, क्या व्हाट वी गेट बाबू माइनस। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर बाबू, थर्ड नंबर सर माइनस थ्री मल्टीप्लाई सर आइए प्लस फाइव, तो थ्री फाइव को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो बाबू, तो थ्री फाइव मल्टीप्लाई में कितना होंगे सर 15 हो जाएंगे। अब माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, व्हाट वी गेट माइनस, बट फिर फाइव। नेक्स्ट बाबू माइनस थ्री सर मल्टीप्लाई सर माइनस फाइव, थ्री फाइव को सिंपली मल्टीप्लाई करो, थ्री फाइव कितना सर 15 सर, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, व्हाट वी गेट प्लस। तो दिस इज द बाबू साइन कांसेप्ट ऑफ साइन। सिमिलरली बाबू डिवीजन में, सिमिलरली बाबू डिवीजन में, इसी तरह से कॉपी में बाबू इसी तरह से लिखना है ठीक है ना। एक स्लॉट में इधर इंडिविजन, मिडिल स्लॉट में बाबू मल्टीप्लिकेशन और साइड वाले स्लॉट में डिवीजन। तो सहन टुमारो बाबू आपको आना है ना, रेगुलर आओगे ना बाबू सहन बाबू सर टुमारो, सो टुमारो शिक्षक का क्या क्या नो बाबू, फाइव से फाइव टू सिक्स दिस टाइम बाबू, यही टाइम है फाइव टू सिक्स ही है सर। आई कैन कम ऑन 5:30 सर, आई कैन कम एट 5:30। व्हाई बाबू, I have class sir. Oh, you have sir, class. I have school class. School tuition. School tuition. Okay, babu. आज बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आए, बहुत सारे नहीं आए बाबू, क्या हो गया सबको समझ में नहीं आता, फेस्टिवल है क्या? कोई फेस्टिवल नहीं। नेक्स्ट बाबू डिवीजन में, तो अगर प्लस रहेगा सर, प्लस को प्लस के साथ डिवाइड करोगे रिजल्ट क्या होगा, होगा सर इसी चलते नहीं आई। प्लस को माइनस के साथ डिवाइड करोगे माइनस होगा, माइनस को बाबू प्लस के साथ डिवाइड करोगे माइनस होगा ठीक बाबू, और माइनस को माइनस के साथ डिवाइड करो बाबू क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। राइट डाउन कीजिए बाबू सर, आज लास्ट मंडे सोमवार है ना सर, तो कहीं कहीं मेला लगा होगा सर, तब वही घूमने गया होगा सर। सही अभी प्रखर बोली। नेक्स्ट मम्मी जब पूछी हो सर तब मम्मी बताई। टेन डिवाइड बाय बाबू टू, टेन डिवीजन बाबू प्लस टू, व्हाट वी गेट बाबू, टेन को टू से डिवाइड कीजिए फाइव, अब प्लस डिवीजन प्लस प्लस। सेकंड नंबर बाबू प्लस टेन बाबू डिवीजन बाबू माइनस टू, तो टेन को टू से डिवाइड कीजिए बाबू, व्हाट वी गेट बाबू फाइव, अब प्लस डिवीजन माइनस, प्लस डिवीजन माइनस रिजल्ट माइनस। प्लस टेन माइनस टेन बाबू और डिवीजन टू ठीक, ठीक सर इसको डिवाइड करो बाबू कितना आ जाएंगे फाइव आ जाएंगे ठीक है, और माइनस डिवीजन प्लस यानी कुछ है तो प्लस है बाबू, तो माइनस डिवीजन प्लस क्या माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू माइनस टेन बाबू और डिवीजन बाबू माइनस टू, व्हाट वी गेट बाबू प्लस फाइव, और माइनस डिवीजन माइनस क्या प्लस। राइट डाउन कीजिए बाबू,
तो आपके सेहान बाबू आपके मम्मी से कैसे बात होगा बाबू सेहान फोन 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 बाबू तो बाबू मम्मी को बताया बाबू कि हम क्लास अटेंड कर रहे हैं यस सर तो क्या बोली सर ओके हाँ बाबू तो आपके मम्मी से हमको पहले बहुत बार बात हुआ बाबू आपके मम्मी का ये नंबर मेरे यहाँ सेव है यस सर पहले कभी हाँ पहले कभी बात हुआ है आपके मम्मी से यस सर क्योंकि नंबर सेव है बाबू है ना एक वन टू मंथ बिफोर राइट डाउन कीजिए बाबू सर फिनिश राइटिंग ओके बाबू तो बाबू कल मैंने ये कोशिश कीजिए बाबू कि